झंडा नालो तो राशन ना मिला है। और राशन लिया, इतने राशन लिया है, कहाँ से लिया है? दे के राशन दिया जा रहा है, और झंडा नहीं लेंगे तो राशन नहीं मिलेगा। और झंडा फ्री है कैसे? 30 रुपए में। तो अभी जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि सरकार कह रही है कि हर घर तिरंगा, तिरंगा अभियान चल रहा है। लेकिन उसी तिरंगे अभियान को लेकर यहाँ पे जो है देखा ये गया कि खुला खेल फरूकाबादी जो है वो चल रहा है। आपने देखा कि कैसे लोग जो है वो बता रहे हैं, साइकिल में राशन लेकर आ रहे हैं और हाथ में ट्रेडमार्क के लिए एक झंडा लेकर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये झंडा कहाँ से मिला, तो बता रहे कि झंडा मिला नहीं, इसे हमें खरीदना पड़ा 30 रुपए देकर। पहला मामला जो है वो तो हरियाणा से आया था, आपने देखा होगा ये वीडियो कि कैसे वायरल हुआ था। लोग बता रहे कि हम वहां पे बिना पैसा लेके गए, क्योंकि राशन जब लोग लेने जाते हैं उनको मालूम है कि फ्री में राशन मिलता है, तो जरूरी नहीं कि हर आदमी पैसा लेकर ही जाएगा। लोग जब पहुंचे वहां पे तो बताया गया कि वहां जो अधिकारी बैठे हुए थे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उन्होंने बताया कि 30 रुपए दो तभी जाकर तुम्हें राशन मिलेगा, तभी राशन मिलेगा भैया, वरना यहाँ से वापस लौट जाओ। उसके बाद मैं आपको एक यूपी तक की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। हापुड़ से एक मामला सामने आया, ये भी बीजेपी शासित राज है। अब जरा बताइए कि यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि पहले तो हमें 30 रुपए झंडे के लिए देना पड़ा, उसके बाद जब लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई तो मामला जो है वो बदल गया, फिर लोगों को राशन मिलने लगा और झंडा देने लगे। तो यहाँ पे बताए कि ये सरकार का ये काम है या फिर सरकार के नीचे जो अधिकारी बैठे हुए ये उनका काम। अगर 1000 लोग ही एक राशन दुकान में जाते हैं राशन लेने के लिए, तो 30 रुपए करके जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा तो आप समझ लीजिए कि जो अधिकारी बैठे हुए उनके जेब में गया, और नुकसान किसका हुआ? एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि फ्री राशन के साथ साथ आपको मिल रहा है झंडा, लेकिन झंडे के लिए आपको 30 रुपए देने पड़ रहे। वहीं आप देखिए स्वाति मिश्रा है जो इस वीडियो को शेयर करती है और बताती है कि लोग साइकिल लेकर जा रहे हैं राशन लाने के लिए, लेकिन राशन लेने जब पहुंच रहे तो उनसे कहा जा रहा है कि राशन के बदले में झंडा लेना होगा वरना आपको राशन नहीं मिलेगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है वो जबरदस्त नारे दे रही है देश भर में कि झंडा जो है आपको मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलेगा, और तिरंगा अभियान जो है वो जोरों शोरों से चलाइए, घर पे तिरंगा लहराइए, जहां जगह मिले तिरंगा लहराइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या देखा जा रहा है कि कैसे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है फ्री राशन के नाम पर, और आपको देशभक्ति के नाम पर जबरदस्ती तिरंगा थमाकर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि तिरंगा जो है सरकार ने कहा है कि वो तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन कैसे यहाँ पे खुला खेल फरूकाबादी, ये आपने कहावत सुनी होगी, वही आपको देखने को भी मिल रहा है। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।